तुम लोगों ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मिस्टर सू के लिए कुछ खरीदना चाहिए। हाँ हाँ मामा, ये सही कह रहा है। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं। तो फिर अभी किस बारे में बात कर रहे थे तुम? सीक्रेट। फिर से हाँ हाँ मुझे पता है सीक्रेट है। इतनी रात हो गई है, तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो? चलो छोटे बच्चों सोने जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट अंकल। शुक्र है आज मुझे डॉक्टर को मिलने जाना था, वरना मैं तो सारा दिन ये सब देख देख कर पागल ही हो जाता आज। ये कैसे बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आप? हमें देख कर आप पागल क्यों होंगे वाला? हमने ऐसा क्या कह दिया है आपको? तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया। आपने ये मेरे लिए खरीदा? कितना प्यारा है ये। और हाँ ये मेरा है, उसके वाले से बड़ा। लास्ट एक्टर फाइनली रिहर्सल रूम में पहुंच गई है। ओह दोबारा से तुम ये श्यांक। आज दो एक्ट्रेस परफॉर्म करेंगी और इस बार हम ऑडियंस के वोट्स के तहत आप लोगों को चूज करेंगे, तो अपनी रिहर्सिंग स्टार्ट कर दे। हाँ मुझे ये तो पता है हम दोनों में से आगे कौन जाएगा। ओह मेरी जान, एलिमिनेट होने के लिए तैयार हो जाओ बीबी। गोमिंग, तुमने ही भड़काया है ना युआन को मेरे खिलाफ, इसी वजह से वो मुझ पे बिलीव नहीं करता है। रात को रास्ते पे चलते हुए अक्सर भूत मिल जाते हैं और तुम तो चूज ही भूतों को करती हो, तुम्हें नहीं पता वो कैसा है। हाँ। जो बात सच थी मैंने उससे वही की है, समझ गई तुम? अब ज्यादा जुबान चलाई ना तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। बहुत अच्छे, उठ जाओ अब। गुलिन तुम बहुत स्टेबल हो और ये श्यांग तुम तो बहुत अच्छा सीख गई हो। थैंक यू मैम। इतने कम समय में इसने एक्टिंग कहाँ से सीखी? अरे तुम रिहर्सल रूम में गई थी क्या? अरे यार मैंने ये श्यांग की देखी और उसकी एक्टिंग बहुत कमाल की हो गई है, और गुलिन से ज्यादा बेहतर है वो। देखने से तो लग रहा है कि ये श्यांग की फाइनलिस्ट हो गई। उस लड़की को मैं फाइनलिस्ट बनने नहीं दूंगी। सुमोचन तुम क्यों मुझे बर्बाद करने में तुले हो? पूरी सू फैमिली तुम्हारी नहीं है, बस इसमें तुम्हारे कुछ शेयर्स थे। अब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कंपनी भी है, फिर भी तुम्हें सू फैमिली से सब कुछ चाहिए? टीएम फेल हो गई है, मैंने तुम्हें क्या कहा था? कौन है? मैं बात कर रही हूँ गुलिन। एक्स्ट्रा बकवास हैंडल नहीं करनी मुझे। तुम्हें सुमोचन को बर्बाद करना है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम तो चैन की फाइनेंस हो, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि टीएम अब उससे शादी नहीं करना चाहती? तुम्हें किसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? मैं तो बस फेमस होने के लिए उसके साथ शादी करना चाहती थी और तो कुछ नहीं, और अभी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं उसे बर्बाद करने में तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। ये वर्ड कौन सा है? अरे तुम अपनी मॉम को तंग मत करो, उन्हें स्क्रिप्ट रीड करने दो, उन्होंने अभी भी जीतना है। ये तो है। ओह मेरा पाला बीबी, अब तो मैंने रीड भी कर ली है, और अगर आप अब मुझे तंग भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम अब बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो? सच कहूँ तो थोड़ा सा हूँ, क्योंकि गुलिन को भी हराना है ना। पापा मामा बहुत नर्वस हो रही है ना, तो आप उनको ठीक कर दो या फिर हम मिलकर करेंगे। मॉर्निंग चिंचिन, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं काम कर रहा हूँ। यार तुम इसे देख लो, इससे पहले कि देर हो जाए। अब पापा मामा नर्वस हो रही है ना, आप उन्हें ठीक कर दो, जैसे करते हैं फिर हम साथ में घर चलेंगे।
अरे गाय, तुम लोगों ने न्यूज पढ़ी है क्या? आई थिंक तुम लोग पढ़ ही चुके हो। तुम लोगों ने देखा क्या क्या न्यूज फैली हुई है। अब खुद सोचें, हमारी कंपनी कहाँ जाएगी और हम इन्वेस्टर्स को क्या ही जवाब देंगे। अब एक मिनट में हमारी कंपनी तहस नहस हो जाएगी। नहीं चाहता था, मुझे तो ये किसी की साजिश लगती है। सफाई देने से क्या होगा, अब मैं कुछ संभाल भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है ओके, मेरी गलती है, तुम गुस्सा मत करो प्लीज। क्या लगता है तुम्हें, मेरा गुस्सा करने से कुछ होगा क्या? बहुत कुछ बिगड़ चुका है, हम क्या जवाब देंगे? ओके, तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हम भी चलते हैं। मैं बस यही कहूंगा, मैं जानता हूं एक्टर्स इनके ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा रिलेशनशिप ये जियांग के साथ है। आपकी ये हरकतें देखते हुए हम अब कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब बताओ क्या करना चाहोगे तुम, आज फैसला कर ही दो। मिस्टर सू, आप जानते हैं ना, हमने भी शेयर्स लगाए हैं, तो अगर आपकी कंपनी डैमेज होगी तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतने पैसे हाथ से मत जाने दीजिए, और कुछ भी करने से पहले सोच लिया करें अच्छी तरह। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सब ठीक करने के लिए यांगी को प्रोग्राम से दफा कर दो और उसका अकाउंट ब्लैक लिस्टेड कर दो, ताकि वो कहीं पर एक्टर बने ना जाए। और अगर मैं ना कहूं तो फिर क्या? ओके, इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर तुमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो अपने पैसे वापस ले लेंगे और मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। शो को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करोगे? मैं खुद ही इसका रास्ता निकाल लूंगा। जैसा कि आप लोग कंपनी के दूसरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो आप लोगों को जियांग की वजह से आई ट्रैफिक पर मिले रेवेन्यू के बारे में भी नहीं पता होगा। उसके बारे में अनाउंसमेंट्स और उसकी न्यूज बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। अगर यही देखा जाए तो अगले 2 सालों में वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पैसा बनाने का जरिया बन सकती है। हमने तो पहले भी सुना था, वो तो बहुत करेक्टरलेस लड़की है, और उसकी तो पहले भी बहुत सी गंदी गंदी तस्वीरें भी देखी गई थी। अरे मैडम जी, आप तो एक बार सोचें, अगर वो इतनी ही करेक्टरलेस लड़की थी तो उसकी फैन लिस्ट में फैंस बढ़ क्यों गए हैं, और उसने बहुत से पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं। लगता है आप लोगों ने हमें पागल समझा हुआ है। हम नहीं जानते क्या तुम लोग यांगी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वो एक्ट्रेस भी चाहिए और अपनी कंपनी को भी तुम लोगों ने बचाना है इसलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमने खुद को ही बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें शेयर होल्डर्स नहीं मिलेंगे। तुम लोगों को और शेयर होल्डर्स नहीं मिलने वाले हैं। हमने इस काम पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, हम इसे ऐसे नहीं खो सकते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तुम्हारे पास यकीनन कोई आइडिया होगा, प्लीज हेल्प करो ना। मुझे नहीं पता क्या करना है तुम लोगों ने। तुम ऐसे मत जाओ, मेरे लिए भी रुक जाओ। और इसी वजह से चैन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं अपने सारे के सारे पैसे तुम पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। ओह अच्छा, मैं समझ गई। इंटरनेट पर बहुत अजीब अजीब न्यूज फैली हुई है, तो तुम अपने बच्चे के साथ बाहर मत जाना। और हाँ, मैं आनर तुम्हारे लिए टेस्ट का इंतजाम कर रहा हूँ, उन सबका मुंह बंद करवा देना रिजल्ट से। I'm sorry, मामा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अनान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सिर्फ अपने फीलिंग्स जता रहे थे। हाँ सही कहा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेबी। और आंटी आप ये लीजिए पानी पिए, और इन सारी टेंशन्स को घोल कर पी जाएं। आप तो बहुत सिंसियर हो गई हो बेटा। काफ़ी अच्छा बच्चा है ये, काश मैं इसे अडॉप्ट कर पाती। डैड, आपने इसे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या आप भूल गए कि इसने उस दिन हॉस्पिटल में आपके साथ क्या किया था? हाँ मैं भी अब दिन ब दिन बीमार होता जा रहा हूँ, डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास आखिरी के वक्त ही बचे हैं। अच्छा छोड़ो ये बातें,
मैंने तुम्हें जिस बात के लिए बुलाया है वो कर लेते हैं, तो आगे जाकर कंपनी का इंचार्ज कौन बनेगा? लेकिन डैड, आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपने अभी अभी खबर नहीं सुनी क्या? ये एक लड़की के साथ है और उसकी वजह से इसकी बहुत बदनामी हो रही है। इसके हाथों पर कंपनी मत दीजिए, ये सब कुछ खत्म कर देगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं, मुझे सब दिख रहा है। बस इतना कहूंगा, अगर आप मुझे ये सब कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं ताकि मैं सू फैमिली की जिम्मेदारी उठाऊं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम दोनों अपनी मेहनत करो और अपनी अपनी कंपनियां चलाओ, फिर मैं देखूंगा कि कौन ज्यादा मेहनती है और कौन ज्यादा हकदार है, फिर मैं अपनी वाली वारिस को चुनूंगा। ओके, मैं इसके लिए तैयार हूं। आपके फैसले की मैं इज्जत करता हूं, इसलिए ठीक है। मामा, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं और मेरा पैटर्निटी टेस्ट क्यों हो रहा है? बेबी, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। पर मैं तो आपका ही बेटा हूँ, पैटर्निटी टेस्ट से कुछ साफ नहीं होगा। तुम फिर से पागलों जैसी बातें करने लग गए। मैं सच कह रहा हूँ मामा, ना पापा मुझ पे यकीन करते हैं ना आप यकीन करते हैं। ठीक है, टेस्ट करवाएं और टेस्ट में ही देख लीजिएगा। हाँ, उन्होंने कहा है कल तक रिजल्ट्स आएंगे। हे, तुम्हें क्या हुआ है छुटकू, तुम खुश नहीं हो? आ जाओ। मेरा मूड ऑफ है। जी हेलो, क्या कहा आपने? अनार मेरा बायोलॉजिकल सन है, बट ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे रिजल्ट सेंड करें। मैंने कहा था ना, आपने ही मुझे पैदा किया है। मुझे लगता है कि उनसे टेस्ट में कुछ गलती हुई होगी। तुम फिक्र मत करो, कल दोबारा से करवा लेना। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरा बेटा हुआ और मुझे पता भी नहीं चला। अनार मेरा बेटा। क्या सच में कोई गलती? बिल्कुल नहीं सर। मेरी बात सुने सर, आपने जैसा कि कहा था कि आप दोनों का ब्लड इस ब्लड से मैच करना है, तो मैंने तकरीबन 3 बार इसे मैच किया है और 3 बार ही ये मैच हो गया है। अब मेरी क्या गलती है? इस रिजल्ट से तो यही साबित होता है कि ये बच्चा आप दोनों का ही है। तो जब सब साफ है, अब हमें सही सही बताओ कि आखिर हो क्या रहा है ये सब। देखो बेबी, जब तुमने मुझे पहली बार देखा तुमने मुझे मामा कहा और मिस्टर सो को देखते ही पापा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई बेबी नहीं है। मामा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं 2024 में पैदा हुआ था। तुम अगर 2024 में पैदा हुए तो अब यहाँ कैसे आए? ये मुझे भी नहीं पता। और एक अंकल ने मुझे ये नेकलेस भी दिया था, और एक रात को ये नेकलेस खुद ब खुद चमक रहा था और मैं यहाँ पहुँच गया। और मामा को उस टाइम एक अंकल जलाने वाले थे, तब मैंने इन्हें देखा और मैंने बचाने के लिए आ गया। ओह अच्छा, तुम्हारा मतलब तुम तब भाई जब मेरे घर में आग लगी थी और तुम अचानक से आए सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। हो, ये तो एक मिस्ट्री की तरह है। मामा, अनार एक छोटा हीरो है, इसलिए उसकी मामा जब मुसीबत में थी वो उन्हें बचाने आ गया। सच में क्या शादीशुदा हैं? और अनार हमारा बेबी है। सोचकर ही इतना अच्छा लग रहा है कि एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी मेरा है। हाँ, ये बहुत ही कमाल है सोचने में। तो अब ये सारा मसला ऐसे तो हल नहीं होगा, तो मैं प्रेसिडेंट से कहकर किसी ऑर्फन बच्चे का सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यान के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। और अब से तो ये प्यारा सा बच्चा मेरा बेटा है, मैं इसे अपने बेटे की तरह प्यार करूँगा। हाल ही में खबर मिली थी कि जिशांगे का एक बेटा है, लेकिन ये खबर बिल्कुल झूठी निकली है क्योंकि जिशांगे का कोई बेटा नहीं है। बायोलॉजिकल तौर पर उसका टेस्ट करवाया गया है। मुझे पहले ही लगता था जिशांगे कितनी ज्यादा उम्र लगी है, उसके पास में कोई बेटा हो सकता है। ऐसा तो कुछ सच है ही नहीं, बायोलॉजिकल टेस्ट था तो दिया है। मैम, आपका मेकअप हो गया है, आप अब जा सकती हैं। ये श्यांगे, आज तो मैं तुम्हें एलिमिनेट करके रहूंगी। सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहेंगे चिनिये को, क्योंकि वो फाइनलिस्ट बन गए हैं।
तो अब आखिरी फाइनलिस्ट को चूज करने के लिए आज की हमारी आखिरी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो चलो कैमरे को स्टेज की तरफ घुमाते हैं और एंजॉय करते हैं गुलिन और यस यांग की परफॉर्मेंस का। तो आप सब तैयार हो जाइए क्योंकि हम देखने वाले हैं कमाल का परफॉर्मेंस। तुम जानती हो युआन मुझे नजरअंदाज कर रहा है। तुमने हमारे रिश्ते में दरार क्यों डाल दी? तुम्हारी वजह से यह हुआ है। अब किसी को सच बताकर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? तुमने किया ना, तुमने झूठी झूठी बातें क्यों बताई युआन को जाके मेरे बारे में? मैं तुम्हें मार डालूंगी। रात को सुनसान रास्ते में अक्सर भूत मिल जाते हैं और युआन की जिंदगी में तुम भूतनी हो। तुम कितनी झूठी और मक्कार हो मैं जानती हूँ। अब जुबान निकाली ना तो मैं जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों एक्ट्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि रिजल्ट कैसे आएंगे। सबसे पहले तो हमारे मॉनिटर्स अपनी अपनी राय देंगे और साथ ही ऑडियंस के वर्ड्स भी काउंट करेंगे। तो वोटिंग के रिजल्ट अब मेरे हाथों में है, पर सबसे पहले हम अपने मॉनिटर्स को ही अपनी अपनी राय बताने के लिए कहेंगे। तो मुझे इन दोनों के परफॉर्मेंस देखने में काफ़ी खुशी हुई। मेरे ख्याल से इन दोनों ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैं अपना वोट जो लिन को ही दूंगा क्योंकि काफ़ी सालों से मैं उसका फैन हूँ। फिर तो मैं भी अपना वोट गोलिन को दूंगी। अरे मेरे वोट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो व्यूवर्स के वोट से पड़ेगा। लेकिन मैं आज रात फिर भी कहने पर मजबूर हूँ, जैन जी की आज की परफॉर्मेंस देखकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ। मुझे इनकी पहली परफॉर्मेंस अभी भी अच्छे तरीके से याद है, जब ये उस टाइम उस सीन को कैच नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। ये तो काफी हाई रेटिंग है। आप लोगों के वोट मैं सस्पेंस में इसे नहीं डालने वाला। जजेस की राय जानने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑडियंस के वोट सबसे ज्यादा किसे मिले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, नेक्स्ट लेवल पर जा रही है यस यांग। गुड जॉब, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू ग्रैंडपा। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और कैरियर भी हो गया। अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। अभी कहाँ, ना तुम्हारी शादी हुई है ना अभी बच्चे हुए हैं, कैसे फैमिली कंप्लीट हो गई? पापा मेरे लिए क्या बनाया है? ये मैंने तैयार किया है सोए मिल्क और तुम्हारे फेवरेट पीकी मिल्क बंस, और शुगर को मैं बाद में बुला लूंगा अपने साथ खाने के लिए। ठीक है। पापा मामा नहीं दिखाई दे रही। वेल, तुम्हारी मोम को आज रिकॉर्डिंग के लिए जाना था क्योंकि आज की जो क्लिप है वो है म्यू चिकन का अटैक। अरे नहीं 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 पापा, मामा वो करेगी तो मामा को वहाँ पे चोट लग जाएगी। अरे छोटे मियाँ आराम से। मामा ने मुझे बताया था कि जब वो रिहर्सल कर रही थी तो उन्हें चोट लग गई थी। पापा चलो ना, मामा को जाके बचाती हैं। अच्छा तुम घर पर रहना, मैं भी आता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे नहीं लगा था कि तुम फाइनल्स में आ जाओगी। क्यों भाई, मैं फाइनल तक क्यों नहीं पहुंच सकती थी, बताएंगे आप? अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मैं जानता हूं कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर वो तुम्हें शेर ना लगे तो मैं हूं ना। हाँ मैं उन्हें पसंद करती हूँ। क्या वो भी तुम्हें पसंद करते हैं? उन्होंने आज तक कहा तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो भी मुझे पसंद करते हैं। हाँ समझ गया। जैन से क्या मैं पूछ सकती हूँ, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहते हो? मैं पसंद करता हूँ तुम्हें। नहीं ऐसा नहीं कर सकते। माफ करना, मैं बस देख रहा था कि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। मैं बस चेक कर रहा था कि तुम उसके अलावा और किसी को अपने पास आने देती हो या नहीं, यही देख रहा था। सच कहूँ तो मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ तुम्हें।
तो ये तुम्हारे रिहर्सल का टाइम है, तुम्हें जाकर सब कुछ चेक कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें अपनाने की कोशिश करूंगा, अगर कर पाया तो। तुम लोगों के सारे ग्रुप की एक अलग अलग पोजीशन होगी और तुम्हारी भी एक होगी, तुम्हें भी बता दी जाएगी। और जब तुम अपनी पोजीशन पे खड़ी हो जाओगी तो हम पीछे से लाइव म्यूजिक चला देंगे और उसी के बाद हम अक्षर बोलेंगे, तुम लोगों को एक्ट करना है। और जैसे ही हम अक्षर बोलेंगे तुम लोगों को बिल्कुल एक्टिंग में घुस कर सीखना है। और क्या हुआ मिस्टर सू? यहाँ कंपनी में कुछ होने वाला है। अरे मिस्टर सू, मिस, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मेरे ख्याल से फिर से घुटने पे ही लगी है। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मिस्टर सू, आपके बाजू पर बाहरी चोट तो नहीं लगी मगर अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा लगी है, तो आपको इसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और मिस जीजियांग, आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इससे पहले भी आपको चोट लग चुकी है और ये दोबारा लगी है। अगर ये चोट दोबारा लगी तो ये एक फ्रैक्चर भी बन सकता है, तो इसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और हाँ, 2 दिन बाद एक बार फिर चेकअप करवा लीजिएगा। तुम कितनी बदकिस्मत हो छोटू, तुम्हें हर शो के अंदर चोट कैसे लग जाती है? मैं मर्जी से थोड़ी लगवाती हूँ। क्या बोल रहे हो? मुझे भी इस बारे में बात नहीं करनी। ओके, ओके, तुम कहती हो तो मान ही लेता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि शो में तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो गया हो। चलो तुम दोनों जल्दी से ठीक हो जाना, मैं यही दुआ करूंगी। अब चलती हूँ मैं। ओ सुनो, अगर तुम उसके पीछे नहीं गए ना तो ऐसे छड़े बैठे रहोगे। मैं कहती हूँ उसे पटा लो, जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे यार, हाथ के चेपू चंपक हो तुम, इतनी बार बोला है काम से काम। अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं भी यहीं से जा रहा था, बस और कुछ नहीं है। तुम्हें मैं बच्ची लगती हूँ क्या? मुझे समझ नहीं आती है कि क्या करते हो तुम। तो फिर मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब तुम राजी हो जाओगी और फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मैंने बताया है कि मैं मां नहीं बन सकती, और मैंने भी कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है कभी तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितने ज्यादा बोरिंग हो। या फिर हम लोग कोई गेम भी खेल सकते हैं? तुमने मेरा पीछा करना बंद ना किया ना तो जूतों के साथ खिलाऊंगी तुम्हें। ये मेरे पास था, मेरे कंप्यूटर पे। तुम्हें सिक्योरिटी फुटेज कैसे मिली? मैं जानता हूँ इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन मेरे भी अपने कुछ पावर्स हैं, उसके जरिए मैंने ये किया। मैंने एक कैमरा प्रोप रूम में लगा दिया है, चलो साथ मिलकर देखते हैं। एक दफा का जिक्र था कि एक जंगल में एक चूहा रहता था और वह चूहा एक छोटे से लकड़ी के घर में रहता था। वो लकड़ी का घर काफी खूबसूरत था, चूहे को भी वो घर बहुत पसंद था, वो वहाँ बहुत खुशी से रहता था। अरे तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मैं सुजन नहीं हूँ जो तुम मुझे ये पढ़कर बता रही हो। पढ़िए, मजे की है, मैरी और अनान की फेवरेट है ये। अच्छा पढ़ो। हाँ जरूर। मैंने सुना था ये जियांग को चोट लगी है, इसलिए मैं उसे देखने आ गया। पर देखने से लग रहा है इन फ्लावर्स की जरूरत मिस्टर सू को है, ये ज्यादा जख्मी है। पर तुम्हारे हाथों में ये फ्लावर सूट नहीं करेंगे यजियांग। लो इसे तुम रखो। असल में इन फ्लावर्स की मिस्टर सू को ही जरूरत है, वो ज्यादा बीमार है। हर बार अपनी टांगों पर चोट क्यों लगवाती हो? तुम पागल हो क्या? तुम जानती हो ना एक डांसर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके टांगे होती हैं। मेरी एक बात मान लो, अच्छे से रेस्ट करो और अपनी टांगों को भी रेस्ट दो, कुछ दिन के लिए काम छोड़ दो। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अगर मुझे दोबारा चोट लगी तो मैं शायद डांस भी ना कर पाऊं। मैं यही सोच रही हूं कि मिस्टर शिबाशिमा को क्या जवाब दूंगी, उन्होंने मुझे मूवी में भी लेना है। वेट करो अपनी टांगों के ठीक होने का, फिर काम कर लेना। मैंने मिस्टर सी के साथ कोलैबोरेशन किया है, फिक्र मत करो मैं उनसे बात कर लूंगा। सच में? अब काफी देर हो गई है, मुझे रेस्ट करना है, अब तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। ऐसे कैसे जा सकता हूँ, जरा अपने हीरो का हाल तो पूछ लो। बाजू कैसा है आपका?
अभी तक पेन हो रही है क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? कहीं ये मिस्टर सू को देखकर गे तो नहीं बन गया? हाँ, मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। और हाँ, मैं आती हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। आंटी, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस शुगर लो हो गई है। मेरे पास है, ये खा ले। थैंक यू बेबी। आप अनान के दोस्त हो ना? आपका नाम शुगर है शायद। आपके मामा पापा कहाँ हैं? यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं क्या? नहीं, मैं अनाथ हूँ। अंकल सू यहाँ आए हैं ना, तो ग्रैंडपा और अनान जिद करके मुझे यहाँ ले आए। चलो उन्हीं के पास चलते हैं। हे, अरे शुगर, तुम कहाँ पर थे? मैंने कहा शायद तुम गुम हो गए हो। नहीं, मैं गुम नहीं हुआ था। मिस्टर सू, ये वीडियो देखें, ये गोलिन ने किया था। ये वाकई गोलिन ने किया? काफी बकवास औरत है ये। मुझे लगता है इसे अब जेल होनी चाहिए। अरे तुम इतनी छोटी सी बात की फिक्र मत करो, तुम्हें एक और गुड न्यूज देती हूँ। तुम्हें उन्होंने एक रोल के लिए चूज कर लिया है। जब तुम रेडी हो जाओगी तो तुम वहाँ शूट के लिए जा सकती हो। वाओ, क्या सच में? अरे क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारी टांग जख्मी है, तो अपना ध्यान रखो तुम। I'm sorry, वो मैं बहुत खुश हो गई थी। मम्मा पापा आपको डांटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र है। मैं जानती हूँ बेबी, उन्हें अच्छी तरह समझती हूँ मैं। मामा, मामा, गुड मॉर्निंग। मिस्टर सू, आप बाहर जा रहे हैं क्या? हमें कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। आज प्लीज जल्दी आइएगा घर, आप जानते हैं ना हम दोनों की डेट है आज। मैं जानता हूँ। शुगर अभी तक आया नहीं वापस? नहीं मामा, वो दरअसल उसे कोई अडॉप्ट करने आया था। मैं चाहता था वो मेरा ही भाई बन जाए, वो क्यों गया? ओह मेरा बेबी, उसके लिए तो अच्छा है ना, उसे एक घर मिल रहा है। आप इतनी फिक्र मत करो। मामा आज रात के लिए कुछ बड़ा प्लान करिएगा आप। ओके। हाँ बोलो मिंग से। हाँ अभी तो मैं फ्री ही हूँ। हाँ ठीक है, अभी मिलती हूँ तुमसे। बड़ी मुश्किल से तुम्हें डिनर पे आने का वक्त मिला, बहुत बिजी हो गई होगी ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ा टाइम नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें और मिस्टर सू को डिस्टर्ब करता हूँ? ऐसा मत कहो, बुरा लगता है। अरे नहीं, मुझसे सॉरी मत कहना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? और मैं मिस्टर सू को पसंद करती हूँ, और उनकी जगह और किसी को नहीं दे सकती हूँ। और हाँ, तुम उनके साथ लड़ा मत करो, वो अच्छे हैं। दरअसल मैं तुम्हारी खबर लेने आता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात मिस्टर सू को ज्वेलस करती है। हाउ क्यूट ना, तुमने कभी उसका चेहरा देखा है? बड़ा प्यारा लगता है। तुम दोनों के दरमियान तो नहीं आऊँगा मैं, लेकिन हाँ, फ्रेंडशिप हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? नहीं होगी। पापा! मामा दूर हो जाए! मामा मैं आपकी हमेशा हिफाजत करूंगा। मामा ये आपके लिए। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपकी फैमिली में किस चीज का वजन है, पहले आप फिर ये बेबी बीमार हो गया है। ठीक हो जाएगा, फिक्र करने की बात नहीं है। ओके डॉक। सुनो सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक है। कितना जालिम है वो, उसे एक सामने का बच्चा नहीं दिखा क्या? ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी फैमिली को खत्म करना चाहता है? सब ठीक है, सब ठीक है, बस डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं चाहती हूँ वो जेल में जाए। हाँ, मैं उसे जेल जरूर भेजूंगा। इत्तफाकन आप तो किस्मत से बच गए, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती आपके सिवा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम, हमारी फैमिली को अब से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है?
मेरा बेबी, आप उठ गए? आप ठीक हो ना? आप कहीं तुम्हें कुछ अजीब फील तो नहीं हो रहा? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रही है ना? मामा आप टेंशन ना लें, मैं ठीक हूँ। टेंशन कैसे ना लूँ मैं तुम्हारी? किसने कहा था मुझे दूध फेंकने को? बहुत बुढ़े बच्चे हो आप, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपको नहीं पता मैं छोटा ही रहूं, आपको प्रोटेक्ट करूंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है प्रोटेक्ट करने की, मैं बस चाहती हूँ तुम ठीक रहो, समझे? और हाँ, आइंदा से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है तुमने, ठीक है? तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। पता है मुझे, बात किए बगैर आप रह नहीं पाओगी। मामा पापा कहाँ पे हैं? पापा किसी काम से बाहर गए हैं और उस आदमी को पकड़ने गए हैं जिसने आपको मारने की कोशिश की। वैसे मामा आप प्लान के बारे में भूल गए क्या? कौन सा प्लान? हाँ अपना ये छोटा सा मुंह बंद रखो, प्लान की फिगर छोड़ो और अपनी सेहत की फिगर करो, देखो कितनी चोट लगी। अरे मामा इतनी देर से प्लान ना आए थे हम। अरे नहीं बेबी, दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ मैं, आप अपना ख्याल रखो, देखो कितने बीमार हो आप। हे तुम जाग गए, अब तुम कैसे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं पापा बस सर में दर्द है। तुम ऐसा करो फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, बाद में डॉक्टर्स आएंगे और आन का एग्जामिन करेंगे, ठीक है? पापा मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या आप फुर्सत से सुनोगे मुझे? जी जी मेरा बच्चा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। टाइम तो हो गया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैं आ गया दादाजी। ओह शुक्र है तुम ठीक हो गए। सबसे पहले अनान कांग्रेचुलेशंस, तुम अच्छे से डिस्चार्ज हो गए, और हाँ अब दोबारा बीमार मत पड़ना। चलो अनान बेबी अब आपने केक काट। अरे नहीं मुझे अभी नहीं काट। पापा आप केक क्यों नहीं कट कर रही हो अभी? तुम ऐसा करो पहले ये चाकू नीचे रख दो, मुझे तुम्हें चाकू के साथ देखकर डर लग रहा है थोड़ा। मुझे आन ने बताया कि तुमने कुछ प्लान किया था और मेरे हर्ट होने की वजह से वो सब हो नहीं सका, ये सब जान के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अब मैं उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कर दो, 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 हाँ कर दो। तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, और हाँ मेरी मॉम भी अब्रॉड वापस चली गई हैं और कल मैं घर वापस चला जाऊँगा, ठीक है? पर उससे पहले हम अपनी शादी की बात कर लेते हैं। शादी? हाँ हमारी शादी। मामा और पापा की शादी होगी? हाथ पकड़ो, किस 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 भी करो, किस 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 पापा किस करो ना मामा को। बंद रखो बीबी, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, मामा आप किस करो। हाँ किस तो बनती है। हमारी फैमिली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आप सबका शुक्रिया। सो बेटा आनन कुछ दिन अब मेरे साथ रह लेगा और तुम लोग अपनी शादी की लाइफ एंजॉय करना, ठीक है? गुड लक। हमारी शादी हो गई, मुझे ये ख्वाब लग रहा है। तुमने इस बारे में नहीं सोचा था ना? मैं तो पहले से जानता था।
मैंने कहा कि मैं पहले से जानता था कि मेरे पास कोई ऐसा जरूर है जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ, और वो हो तुम। तो आपने नई मूवी देख ली जिससे ये डायलॉग सीखे? हे ग्रैंडपा, क्या अनान मिसिंग है? क्या मिसेस, वो क्या हुआ? अनान मिला क्या आपको? हाँ, अब हम क्या करें? मेरी ही गलती है, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। ग्रैंडपा फिक्र मत कीजिए, आप अच्छे से याद कीजिए, क्या कल रात अनान आपके साथ ही सोया था? खिड़कियां दरवाजे सब कुछ लॉक हैं, मैंने तो खिड़कियां दरवाजे खोले ही नहीं, तो अनान गया कहां? तुम फिक्र मत करो स्वीटी, क्या तुम्हें याद है अनान वक्त में सफर कर सकता है? आपका मतलब वो जहां से आया था वहां चला गया? हाँ बिल्कुल मुमकिन है, पर फिक्र मत करो, मैं तलाश जारी रखूंगा। गुड मॉर्निंग, क्या मैं बेबी देख सकती हूँ? अच्छा तो तुम उठ गई हो, बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये एक लड़का है। क्या ये लड़का है? और इसका बर्थ मार्क क्या है? क्या इसकी कमर पर रेड हार्ट है? हाँ इस पर वो मार्क है। अनान छोटा शैतान, ये हमारे पास फिर से वापस आ गया है। मामा मैं वापस आ गया, आपने मुझे मिस किया? हाँ बेबी मैंने आपको मिस किया, कहाँ खेल रहे थे आप? मामा मैं अंकल के साथ खेलने गया था तो उन्होंने मुझे ये वाला लॉकेट दिया। मिस्टर सू, इस नेकलेस का राज पता चला क्या? मेरे एक फ्रेंड टाइम मशीन पर रिसर्च करते हैं, उन्हें लगा कि वो फेल हो जाएंगे और इसलिए उन्होंने इस नेकलेस के अंदर एक टाइम मशीन छुपाई थी। आज आन ने ये नेकलेस देखा तो इसे बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे दे दिया। लेकिन ये बहुत अजीब है। अब जैसा कि यह सब कुछ हो चुका है तो इसे ऐसे ही चलने देते हैं, अगर हमने ये सब बदलने की कोशिश की तो हो सकता है आन पैदा ही ना हो। मामा आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मेरा बच्चा कुछ भी नहीं, बस आप अपना ध्यान रखना और मामा आपसे बहुत प्यार करती है ये भी याद रखना। मामा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा मामा आप दोनों मेरे साथ गेम खेलोगे क्या, हाइड एंड सीक? ओके एक दो, चलो तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए। ओके हे hey, कहाँ गए ये? मिस्टर सू अनान खाना खा लें। अनान कहाँ पे है? अनान कहाँ पे है? चैन अब अनान कब वापस आएगा? मुझे नहीं पता, शायद अभी वापस आ जाएगा। मामा पापा मैं यहाँ कैसे आया? मैं ग्रैंडपा के पास था, उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ के चला गया था। ये साल 2029 है बच्चू। मैं 2029 में आया हूँ? अब तो आप शादीशुदा हैं ना? हाँ बेबी हम शादीशुदा हैं। मिशन सक्सेसफुल।